हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ग्लोबल हाइलाइट्स। सो गाइस, बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को कोई हाइलाइट्स की वीडियो नहीं दिखाई है। ब्यूटीशियन कोर्स की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि अभी बिगनर सीरीज स्टार्ट है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। बट जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता है कि मैंने लगभग 150 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे ब्यूटीशियन कोर्स की, तो उसी का एक पार्ट है ग्लोबल हाइलाइट्स। मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ किस तरह से हम ग्लोबल हाइलाइट्स करते हैं। प्लस जो मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, जैसे कि आपको मेरे चैनल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, माय नेम इज श्रुति एंड मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं आप लोग को ऑनलाइन या फिर घर बैठे आप बोल सकते हो वीडियो के थ्रू सिखाती हूँ ब्यूटिशियन कोर्स। सो आप मेरे चैनल को जरूर चेकआउट कर लें। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने हर तरह के प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिगनर सीरीज की, ब्यूटिशियन कोर्स की, तो आप जरूर चेक कर लें। आपको मेरे चैनल पे यूजफुल कंटेंट मिल जाएंगे जो भी होते हैं पार्लर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो किस तरह से हम हाइलाइट्स करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप इनके हेयर देख लो, बिफोर के ये लुक है एंड आफ्टर अभी आप देखोगे इसके बाद का क्लिप, बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइट्स हुआ था। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। पर्सनली मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आता है गोल्डन कलर में। सो आपको मैं थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी कि हिना वाले हेयर में आप हाइलाइट्स कर सकते हो या नहीं और किस तरह का रिजल्ट आता है, प्लस कुछ टिप्स भी दे दूंगी कि किस तरह से हेयर शाइनी लगेंगे लास्ट में क्लाइंट के, अगर उनके हेयर पूरे रफ नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो इनके बिफोर कैसे थे और बाद में कितना डिफरेंस आया है। बहुत ही अच्छा वाला कलर है ये, आप अगर सन में जाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, और मतलब आप आर्टिफिशियल लाइट में देखो कलर चेंज लगता है। तो मैंने हर तरह से आपको दिखाया है ताकि आपको समझ भी आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम ग्लोबल हाइलाइट्स करेंगे। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के हेयर को देखना है कि उनके हेयर में हिना है या नहीं। तो इन्होंने लगभग एक साल पहले हिना लगाया था, तो मुझे लग रहा था सिर्फ फ्रंट में इनके थोड़े से हिना थे और पीछे में बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले आपको करना है हेयर वॉश। सो गाइस, सबसे पहले होगा हेयर वॉश। आप कोई भी अच्छे शैम्पू की मदद से, जो हम पार्लर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, उससे कर लेना है आपको हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद आपको करना है 100% ब्लो ड्राई या फिर 90% ब्लो ड्राई, ठीक है। तो इसके बाद का ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। और एक बात का ध्यान रखोगे आप जो भी शैम्पू करते हो उसके बाद कंडीशनर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्यूटिकल्स बंद हो जाएंगे हेयर के। एंड आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है, मैम हम मेहंदी वाले हेयर में कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बस आपको कट डाउन करना होगा हेयर को। यानी कि हम सबसे पहले करेंगे इनका भी प्री लाइटनिंग, बिकॉज इनके हेयर में ही ना थी एक साल पहले। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी लॉरियल की 20 वॉल्यूम की डेवलपर एंड मैं यूज़ करूँगी स्ट्रिक्स की 40 वॉल्यूम की डेवलपर। मैं इन दोनों को मिक्स करके 30 वॉल्यूम का बनाऊँगी। सो अगर आपके पास भी 30 वॉल्यूम का डेवलपर नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो। मुझे एकदम लाइट शेड नहीं देना था, जैसे होता है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट, तो इस वजह से मैं 40 एंड 20 को मिक्स करूँगी। और ब्लॉन्डर मैं वेलो केयर की यूज़ कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो। ब्लॉन्डर को ही हम ब्लीच भी बोलते हैं और इससे ही हम प्री लाइटनिंग बोलते हैं। प्री लाइटनिंग हमारे हेयर को कट डाउन करता है, हमारे जो हेयर के कलर होते हैं ना उससे 8 या 9 से लाइट करता है, यानी कि ब्लैक हेयर को पूरा का पूरा लाइट कर देगा। सो 20 और 40 अगर मिक्स करके आप यूज़ करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा वो वाले कलर नहीं, मुझे से होते ना एस ब्लॉन्ड या फिर आप बोल सकते हो एकदम लाइट ब्लॉन्ड। तो मुझे बेसिकली देना था गोल्डन कलर इनको, इसलिए मैंने 20 एंड 40 का यूज़ किया था। आप डायरेक्टली 40 भी कर सकते थे, बट अगर डायरेक्टली आप 20 सिर्फ दोगे ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तब ना बहुत टाइम लग जाएंगे हेयर को प्री लाइटनिंग होने में। सो मैं आपको टिप्स दूंगी, आप 30 यूज़ कर लो या 40 यूज़ कर लो या फिर 20-40 को मिक्स करके कर लो, बस कुछ भी नहीं था। 1:2 रेशियो रखना है आपको। ब्लॉन्डर हम जितना देंगे उससे दोगुना हमें डेवलपर देना होता है बस। उसके बाद सेक्शन को डिवाइड करना है, क्राउन एरिया वाले सेक्शन को और ईयर ट्वेयर वाले पार्ट्स में एंड पीछे में सेक्शन, यानी कि टोटल 5 सेक्शन आपको डिवाइड करना होता है। एंड हेयर बहुत अभी क्लीन लग रहे हैं क्योंकि मैंने शैम्पू किया है, तो शैम्पू करने के बाद ही करना है। अब इस तरह से आपको एक हेयर को निकालना है, इस तरह से इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो इसके बाद हमको क्या करना है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपको और ज़्यादा हाइलाइट्स चाहिए तो आप इससे भी पतली सेक्शन लोगे। अब इसमें हम स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से इस तरह से कॉम की पीछे वाली पॉइंट से स्लोली स्लोली हेयर को निकालेंगे। आपको गैप दिखना चाहिए हेयर में इस तरह से, तभी आपकी वेविंग जो होती है एकदम एक्यूरेट पता चलेगी।
उसके बाद अल्मोनियम फॉइल की रफ वाले पार्ट्स में आपको ब्लॉन्डर को अप्लाई करना, इस तरह से रखना है कॉम की सहायता से, दो या चार फिंगर की मदद से पकड़ना है अल्मोनियम फॉइल को नीचे, एंड इस तरह से रूट से एक या दो इंच छोड़ के आपको अप्लीकेशन स्टार्ट करना है। कभी भी स्कैल्प पे अप्लाई ना करें। दूसरा क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है, एक वीडियो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया था हाईलाइट्स का, ग्लोबल हाईलाइट्स का बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला था, उसमें कॉमन कमेंट मुझे यही मिल रहे थे, मैम मेहंदी वाले हेयर में कर सकते हैं, मैम हम मतलब इसे कितने देर रखेंगे, मैम हम मतलब रूट से छोड़ के लगाएंगे। तो यस, आपको मेहंदी वाले हेयर में भी आप कर सकते हो, बस आपको बहुत ज़्यादा हिना आपको लग रहा है हेयर में, यानी कि हिना कोटेड हेयर जैसे 6 मंथ 2 मंथ, तो आप 40 वॉल्यूम से कर लेना। अदरवाइज जैसे इनके हेयर में 1 या 1.5 साल पहले थे, तो मैंने 20 और 40 को मिक्स करके किया। आ जाएगा कलर, आप इसके ऊपर मनपसंद कलर डिपॉजिट कर सकते हो, आपके क्लाइंट को जो भी कलर चाहिए, जैसे इनको गोल्डन ब्लॉन्ड कलर चाहिए था तो मैं वही दूंगी। सो और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम डेवलपर जिस ब्रांड का है तो हम ब्लॉन्डर भी उसी ब्रांड का यूज़ करेंगे, तो नो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने लॉरियल स्ट्रिक्स की यूज़ की है और ब्लॉन्डर अलग कंपनी की है, सो आप कर सकते हो अलग कंपनी की यूज़, कुछ भी रिजल्ट में फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, बस आपका करने का तरीका सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हेयर को नीला है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से, आपको इस तरह से हेयर को निकालना है गाइज, अल्टरनेट जैसे होता है ना, एक 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 करके निकालना है इस तरह से। देखिए वेविंग से हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से आपको नज़र आएगा आप जब फिंगर में रखोगे अपने, मैं आपको दिखाने के लिए अभी शो कर रही थी। अल्मोनियम फॉइल पे लगाओ क्रीम को, इस तरह से क्रीम अप्लीकेशन करो एंड थोड़ी फास्ट मूवमेंट में। गाइस मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ। सो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मैम आपने कहाँ से सीखा है पार्लर, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप देखना चाहते हो किस तरह से पार्लर को ग्रो करते हैं, प्लस किस तरह से पार्लर चलता है, क्योंकि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या फिर मेरे चैनल पे बहुत दिनों से है तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत छोटा पार्लर खोला था और घर के अंदर मेरा पार्लर है और मैं घर के अंदर से ही पार्लर चलाती हूँ, और बहुत लोगों को मालूम चल गया मेरे पार्लर के बारे में, तो अच्छा खासा मेरा पार्लर चलता है। तो बहुत लोगों को कमेंट रहता है मैम कैसे ग्रो करें, क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियोस को देखते तो मेरे से इंस्पायर होते और मुझे कमेंट करते इंस्टाग्राम पे कि मैम हमने भी घर पे खोला बट हमारा चल नहीं रहा। तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ गाइस, आप पेशेंस रखें, पेशेंस रखोगे ना तो अगर आपका वर्क अच्छा होगा तो आपके पास क्लाइंट्स ज़रूर आएंगे। सो आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये दूसरे साइड की है, तो चलिए आप अच्छे से देख लो मैं किस तरह से कर रही हूँ। बातें तो मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, और बहुत लोगों का ये भी कमेंट आता है मैम आप कितना बोलते हो। सो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत मेरे सब्सक्राइबर 80% पॉजिटिव सब्सक्राइबर है, 20% नेगेटिव सब्सक्राइबर भी है मेरे, तो हर जगह होते हैं तो इसलिए तो चलिए आप देख लो मैं किस तरह से कर रही हूँ। गाइस ये है क्राउन एरिया वाला सेक्शन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दे के करना है आपको, एकदम पतला पतला लेके, ऐसा नहीं एक बार मोटा मोटा लेके कर दो, बहुत ही गंदा लगेगा क्राउन एरिया वाला पार्ट। इस तरह से देखो नीट एकदम मेरी वेविंग पता चलती है गाइस, आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिखाना है। देखो इस तरह से एक एक गैप दिखना चाहिए हर एक हेयर के बीच में, और स्कैल्प और रूट से 1 इंच छोड़ के, क्योंकि स्कैल्प जल सकता है, बहुत हार्ड होते हैं ब्लॉन्डर, ये एक तरीका से ब्लीच होता है गाइस, तो ये हमारे हेयर को ना जला भी सकता है, तो हेयर टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने क्या बोला, मोटे हेयर रहते हैं तो 40 वॉल्यूम आप दे सकते हो, थोड़े से थिन हेयर है, थोड़े नहीं मतलब बहुत थिन हेयर है तो बिल्कुल भी आप यूज़ ही मत करना 30-40 का, आप डायरेक्टली कर देना 20 वॉल्यूम से, ये बस कट डाउन कर रहा है हमारे हेयर को, यानी कि जो भी हिना होंगे हेयर में या फिर कुछ भी होगा ना, तो बस ये हमें एक नया कलर देगा, इसके ऊपर हम कलर बस डिपॉजिट करते हैं। सो क्राउन एरिया वाला पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यह गलती करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप ध्यान से देखो।
सो क्राउन एरिया के पास हो जाने के बाद हम करेंगे ईयर टूवर वाले पार्ट्स में इस तरह से। लगभग आपको 30 स्ट्रिप लग सकती है। अगर इससे भी ज़्यादा आपके क्लाइंट को चाहिए हाईलाइट्स तो आप इससे भी पतला पतला सेक्शन लेके करोगे। सेम एक सेक्शन में हेयर को निकालना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से हेयर को निकालना एंड हाईलाइट्स करते जाना। सो गाइज डिपेंड करता है हेयर के इस लेंथ पे और हेयर कितनी ज़्यादा बाउंसी है। सो इनके हेयर अच्छे खासे थे, बाउंसी या फिर मोटे आप बोल सकते हो, तो मुझे 30 स्ट्रिप लगा था। पतले हेयर है तो कम भी लग सकता है। और इसकी चार्ज मैं अपने पार्लर में रखती हूँ 2500 रुपीज़। बहुत लोग मुझसे चार्ज पूछते हैं, इसलिए वजह से मैंने चार्ज भी बता दिया। आप स्ट्रिप वाइज भी ले सकते हो 150 या 100 रुपीज़, बट वो आपके क्लाइंट को महंगा पड़ जाएगा। आप ही सोचो 30 × अगर हम 100 रुपीज़ स्ट्रिप मिलेंगे 3000, तो आप ऐसा करना कि आप डायरेक्टली इसका प्राइस रखना, जैसे कि ग्लोबल हाईलाइट्स 2500। अब 30 मिनट्स बस इसको रखना है आपको। 30 मिनट्स के बाद ही कलर इनके हेयर पे आ गए थे। नीचे वाले पहले चेक करना है आपको, क्योंकि हमने उसमें पहले लगाया। 20 मिनट्स के बाद ही आपको चेक करना शुरू करना है। तो इनके हेयर में 30 मिनट्स लग गए थे, 30 to 35 मिनट्स लगे थे। तो बस तो मैं आपको दिखा रही थी। और ये वाले जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जिसमें हमने हाइलाइट्स नहीं किया, उसको क्या करना, आप सेपरेट कर लेना इस तरह से रबर की हेल्प से। ये टिप्स है आपके लिए, अगर आप चाहते हो इसके बाद जो आप कलर को डिपॉजिट करोगे वो आपको ज़्यादा ना लगे, कम क्वांटिटी में लगे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये एक दूसरा टेक्निक होता है, मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सारे हेयर को टाई कर देती हूँ इस तरह से, जिसमें मैंने नहीं लगाया है। अब टोटल हेयर की आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट के हेयर में इनके हेयर में टाइम लग रहा था आने में, यानी कलर मुझे 45 मिनट्स के बाद फ्रंट के हेयर में आए थे, क्योंकि इन्होंने मेहंदी ज़्यादा लगाया था फ्रंट के हेयर में। पीछे के मैंने हटा दिए थे 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद। जो चलिए हेयर वॉश उनका हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ट्यूब मैं यूज़ कर रही हूँ, लोरियल मेजरियल की ट्यूब 8.3 गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड, और इसमें मैं मिक्स करूँगी 20 वॉल्यूम का डेवलपर। तो गाइज एक बात का ध्यान रखो, कलर डिपॉजिट जो हम करते हैं ना दूसरा, यही रियल कलर होता है, तो ये हम 20 वॉल्यूम के साथ ही कर। आप चाहे तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हो। सो ऑलराइट उनके हेयर को वॉश कर दिया है, मेरी स्टूडेंट ने वॉश किया था जो मेरे साथ है। तो आप इस तरह से देखो, अभी आपको सेपरेट सेक्शन भी दिख जाएगा इस तरह से। आप प्लेन वाटर से भी हेयर वॉश कर सकते थे और शैम्पू भी कर सकते थे। अब आपको कलर को डिपॉजिट करना है। सो गाइज एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे आप, हमेशा पहले आपने जो भी ब्लॉन्डर को यूज़ किया था ना, जो हमने स्ट्रिप में लगाया था, वो एकदम अच्छे से हेयर से निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई भी पार्टिकल्स हेयर में रहना चाहिए, वो वर्क करते रह जाएगा। सो इस वजह से शैम्पू स्टेशन के पास ही ले जाके आप क्या करना, पूरे हेयर को अच्छे से वॉश कर देना। आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बट अगर प्लेन वाटर से भी कर रहे हो तो अच्छे से होना चाहिए क्लीन। देन आप करोगे कलर को डिपॉजिट, जो भी कलर था हमने बनाया है अभी मिक्सचर, यानी कि उसको अप्लाई करेंगे। ये रहेगा हमारे हेयर में 15 मिनट्स के लिए, बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है, आराम से कलर आ जाएगा जो भी आपको डिज़ायर कलर चाहिए। और यही एक टिप्स था, आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगे तो आप इस तरह से पोनी बना लेना एक्स्ट्रा हेयर में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ लगाना है, कलर डिपॉजिट करना है, बस और कुछ भी नहीं था। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज है प्रोसेस को लेके, तो वीडियो को ना शुरू से एंड तक देख लिया कीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूर कमेंट आएगा बीच बीच में कि मैम आपने ब्लीच को रिमूव किया था या नहीं। तो हाँ मैंने किया था प्लेन वाटर से, बस दिखाना मैं भूल गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया। अब करते हैं हम शैम्पू एंड कंडीशनर। कंडीशनर के लिए मैं यूज़ करूँगी मैट्रिक्स की मास्क, मतलब आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो या फिर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मसाज कर देना है शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को 10 मिनट्स के लिए, शैम्पू और दोनों करना था। उसके बाद ब्लो ड्रायर एंड लास्ट में आपको करना है आयरन। और सीरम भी मैंने अप्लाई कर दिया था लोरियल एक्सटेंसो की। और जैसे जैसे ड्राई होंगे हेयर या मतलब आयरन होंगे हेयर, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट लगेगा। अगर आप ग्लोबल हाइलाइट्स करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्ट्रेटनिंग कर दो हेयर को क्लाइंट के, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यही है फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे मैंने स्लो मोशन लगा दिया है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है। तो चलिए देख लो आप, मैं कॉम कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे शाइनी हेयर लग रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे मास्क यूज़ किया मैट्रिक्स का और हमने आयरन किया है। तो आयरन मशीन मैंने यूज़ की थी आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेटनर, बहुत ही अच्छा वाला कलर आया था। गाइस देखिए, आपको ज़्यादा रोशनी में ज़्यादा समझ आएगा किस टाइप का कलर आया था। ये मैंने वार्म लाइट ऑन कर दी रिंग लाइट की, सो इस वजह से आपको ये वाला कलर नज़र आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा वाला कलर है, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज़ आप मतलब जो भी कलर देखना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं होगा तो आपके लिए वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो फाइनल रिजल्ट यही है गाइज, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और इसी तरह की वीडियो आपको और देखनी है, मतलब ग्लोबल हाइलाइट्स के अलग अलग कलर आते हैं, किसी को एस ब्लॉन्ड पसंद होता है, किसी को लाइट ब्लॉन्ड पसंद होता है, किसी को इस तरह के कलर पसंद होते हैं। सो आपके क्लाइंट जैसा बोलते हैं वैसा करोगे। बस मैं आपको एक ही टिप्स देना चाहती हूँ, सन में कलर थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, ऐसे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो बस आप देख लो मैंने ये पिक्चर इंसर्ट किया है। सो ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, 100K के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मैं, बाय बाय एंड टेक केयर।